सिंपल सा उत्तर, ठीक है। सवाल को थोड़ा सा टफ करते हैं। अभी तक हमने सारी बातें किसमें की थी, हेड ऑन, किसमें सारी बातें की, हेड ऑन। अब थोड़ी सी ऑब्लिक की फीलिंग लेते हैं, तो देखते हैं ध्यान से, ठीक है। मैं इसे रब करता हूँ और एक सिंपल सवाल की तरफ रुक करता हूँ। इससे पहले ऑब्लिक पढ़े, एक सिंपल सा दूसरा सवाल करता हूँ। आपको बोला एक बॉल जिसका मास फिर से वही हाफ केजी था, उसको 10 मीटर से छोड़ा गया। कितने मीटर से छोड़ा गया? 10 मीटर। और ग्राउंड से वो हाफ ई के साथ कोलाइड करती है। आफ्टर कोलिजन, लिखें सवाल लिखें, आफ्टर कोलिजन या आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ टेनिस बॉल। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, तो देखते हैं इसका आंसर कितना आएगा। सिंपल सवाल है, सबसे पहले तो मुझे टकराने की पहले की स्पीड बताओ। ये मुझे कहाँ कि एक बॉल को छोड़ा गया है 10 मीटर ऊपर से, तो टकराने के जस्ट पहले स्पीड आपको और मुझे सबको पता है होती है अंडर रूट 2gh। यहाँ पे g है 10 और h है 10, ये अंडर रूट 2gh कहाँ पे आया? अरे सिंपल है यार, v स्क्वायर गुणा u स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है। तो उससे आ गया ये फॉर्मूला, तो यहाँ से ये वैल्यू पुट की, अच्छा निकल के आई 200 का अंडर रूट, जिसे लिख सकते हैं अपन 10√2। चलो e का इक्वेशन लिखते हैं। e की वैल्यू होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। टकराने के बाद बॉल किधर जाएगी? ऊपर। टकराने के बाद बॉल जाएगी ऊपर v डैश स्पीड से, तो v डैश अपॉन आई थी v से, अर्थ की स्पीड हर बार जीरो है, तो ये हो गया v डैश अपॉन v की वैल्यू 10√2 इक्वल्स टू 1/2 e की वैल्यू, तो ये निकल के आ गया v डैश की वैल्यू 5√2 मीटर पर सेकेंड। एक और सिंपल सा सवाल हमने कर लिया, सिंपल सी सवाल, सिंपल सा आंसर। थोड़ा सा अच्छा सवाल करने की तरफ बढ़ते हैं और एक ऑब्लिक कोलिजन का सवाल पिकअप करते हैं। मान लीजिए ये जो बॉल इस केस में टकराई थी, ये ऐसे ना टकरा गए, ये कुछ ऐसे टकराते, ये ऐसे ना टकरा के कुछ ऐसे टकराती, कितने डिग्री के एंगल पे? 45 डिग्री के एंगल पे। हाइट फिर से वही 10 मीटर। आपको फिर से वही सवाल बताया रहा है, इसको वहाँ से ऐसे छोड़ दिया गया, ठीक है, ठीक है। आपको फिर से वही सवाल बताना है कि क्या होगा इसके साथ। आइए देखते हैं इस सवाल को, कौन सा कोलिजन है ये? ऑब्लिक की हेड ऑन ऑब्लिक, क्योंकि जब ये यहाँ पे जाएगा तो इसका स्पीड ऐसे होगा, ठीक है, इसका स्पीड ऐसे होगा, तो कौन सा कोलिजन होगा? कौन सा कोलिजन होगा? ऑब्लिक। हेड ऑन तो ये नहीं। अच्छा, ये यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस गिरा है? 10 मीटर। कितना डिस्टेंस गिरा है? 10 मीटर। तो इसका स्पीड कितना होगा? √2gh, ठीक है। लेकिन किधर की ओर होगा √2gh? नीचे की ओर। किधर की ओर होगा √2gh? नीचे। तो ये टेढ़ी स्पीड किधर जा रही है? ये इसके क्या हैं? कॉम्पोनेंट्स। एक्चुअली में सवाल अगर इसे ढंग से देखा जाए ना, सवाल इसे कुछ ऐसे देना था, कैसे? सवाल ऐसे देना था कि जो ये पार्टिकल है, इसकी एक स्पीड आगे को है और एक स्पीड नीचे को, क्योंकि ये आगे जाना रिलीज करने पे पॉसिबल है ही नहीं है। ये आगे कब जाएगा? जब इसको फेंका जाए, जब इसको क्या किया जाए? फेंका। तो पहली बात तो सवाल में थोड़ा डाटा इनकरेक्ट है। क्या इनकरेक्ट है? कि हमने फेंका और बोला कि वहाँ पे स्पीड जीरो है, वहाँ पे स्पीड जीरो नहीं सकती। समझ में आ रहा है? तो मान लो मैंने सवाल ऐसा बोला कि यहाँ पे ux स्पीड थी, यहाँ पे uy स्पीड थी, इसको फेंका गया, यहाँ कहीं आके टकराया, और आप मुझे टकराने के बाद का स्पीड बता दो। अब देख, टकराने के बाद ये कुछ ऐसा जाएगा, तो इसकी स्पीड इधर की हो जाएगी vx और ऊपर की हो जाएगी vy। ब्लैक इंक लिखे हो, ब्लैक इंक। टकराने के बाद इसकी आगे को स्पीड हो जाएगी vx और ऊपर को स्पीड हो जाएगी vy। बहुत ध्यान से देखो, जब ये आएगा, टकराएगा, कौन सा कोलिजन करेगा? ये ऑब्लिक की हेड ऑन ऑब्लिक, क्योंकि ये है लाइन ऑफ मोशन और ये है लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो कौन सी स्पीड पे चेंज नहीं होगा? जो लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर, यानी ux, ux में कोई चेंज? किसमें चेंज होगा? किसमें चेंज होगा? vy, ठीक है। तो vx तो ux के बराबर है। अच्छा मान लो इधर e है,
कोफिशियंट ऑफ रेसोल्यूशन, तो ई की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी? ई की इक्वेशन लिखी जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. कौन देगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? वी वाई की वी एक्स, वी वाई, तो इसे लिख दिया वी वाई और नीचे यू वाई. तो ध्यान से देख, यहाँ से वी वाई निकल के आया ई टाइम्स यू वाई. वी वाई कितना निकल के आया? ई टाइम्स यू वाई. तो यहाँ जो वी वाई होगा वो होगा ई टाइम्स यू वाई. अगर मुझे यू वाई यू एक्स पता है तो वी एक्स और वी वाई बताने में कोई तकलीफ नहीं. समझ में आया? पक्का? ये छापो पर एक सवाल दिखाता हूँ, अभी उस पर सवाल दिखाता हूँ, वही सवाल एग्जैक्ट बताता हूँ, वो मेरे को देने के बाद पता चला. किसने दिया? देखे ना सवाल कैसा दिया है. टाइम हो गया. सिंपल सी बात को ध्यान दें, मुझे बोला गया जस्ट बिफोर हिटिंग इस बॉल की स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद दी वर्टिकल. 37 डिग्री विद दी वर्टिकल, यही तो दिया है सवाल में. और हिट करने के बाद वो मान लो ऐसी गई, मान लो थीटा एंगल पे गई v स्पीड से, या मैं इसे ऐसे ले लूँ, हिट करने के बाद ये वी एक्स और ये वी वाई. अच्छा ध्यान से देखिए, 10 लिखा है तो मैं इसको ऐसे भी तो ले सकता हूँ, इधर की तरफ 8 और इधर की तरफ 6. मुझे और तुम्हें पता है वी एक्स कितना होगा? 6. वी एक्स में कोई चेंज अभी डिस्कस हुआ, वी एक्स में कोई चेंज नहीं आएगा, तो वी एक्स कितना हो गया? 6. और यू वी वाई कितना होगा? ई इंटू यू वाई. ई कितना दे रखा है? हाफ. तो ई इंटू यू वाई कितना हो गया? 3. इंटू यू वाई कितना हो गया? यही तो है, ये फॉर्मूले लिखे हैं. अच्छा सॉरी, ये 8 है. ठीक है, 8/2 = 4. ठीक है. अच्छा छोटी सी बात समझना, ये 4 ये 6, यानी जो ये लाइन फॉलो करेगा वो अपनी नेट स्पीड के अलोंग जाएगा. किसके अलोंग? इसके रिजल्टेंट वेक्टर के अलोंग जाएगा. ये एंगल थीटा होगा. ध्यान से देख, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी है? वी वाई अपॉन वी एक्स, यानी 4/6, यानी 2/3. और ये टेन थीटा ही क्या है? स्लोप. यही क्या है? देख सवाल में यही बोल देता, फाइंड आउट द एंगल मेड बाई फाइनल स्पीड आफ्टर हिटिंग विद द ग्राउंड. यही सेम सवाल ही था. कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? इस सवाल को होमवर्क लिख लो, यहाँ पे डाटा फीड कर लो. 5√2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5√2 मीटर पर सेकेंड. आपको वी एक्स और वी वाई बताना है, वी एक्स बताना है और वी वाई. इस सवाल में थोड़ा सा हिंट देता हूँ, इस सवाल में आपको स्पीड 5√2 नहीं लेके चलनी जस्ट बिफोर. आपको इस सवाल में स्पीड 5√2 के बाद और कुछ बढ़ेगी, 10 मीटर नीचे गया है तो यू एक्स तो नहीं बढ़ेगा, कौन बढ़ेगा? यू वाई. तो वो कितना बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, वो आपको घर से करके लाना है. और वी एक्स और वी वाई बताना, ये एंगल बताया ना 45, तो ये भी कितना होगा? 45. हाँ, तो कंपोनेंट निकाल लेंगे आप खुद से. हाँ तो अच्छा सवाल है, होमवर्क है, ठीक है, करके लाना. सब्सक्राइब कीजिए चैतन्य एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी नई वीडियोस आपसे मिस ना हो.